जाले नगर परिषद के अंतर्गत लतराहा के वार्ड नंबर 22 में वोटरों के साथ गड़बड़ी देखी जा रही है। नवगठित जाले नगर परिषद के अंतर्गत लतराहा में जो दो वार्ड बनाया गया है जिसमें वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 24 है, वार्ड नंबर 22 में बहुत गड़बड़ी देखी गई है। इस वार्ड में 1205 वोटर्स बनाए गए हैं जबकि इस गाँव में 289 वोटरों को पर वार्ड नंबर 21 में जोड़ दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर 289 वोटरों को जोड़ देने से वार्ड नंबर 22 की जनसंख्या 1495 होता है जो कि लगभग ज्यादातर वार्ड की संख्या है, फिर 289 वोटरों के साथ भेदभाव क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ? मैं बताना चाहता हूं, लतराहा जिसका आबादी लगभग 3000 है, शुरू से इस गांव के साथ भेदभाव किया गया है। हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि जब आसानी से 1495 का एक वार्ड बन सकता था, ऐसी क्या मजबूरी थी 289 लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया गया और किसके कहने पर किया गया? क्या वार्ड के गठन के समय ये नहीं सोचा गया 289 लोग में बूढ़े होंगे या महिलाएं होंगी और उन लोगों को अपने गांव को छोड़कर 3 किलोमीटर दूसरे गांव में जाकर वोट गिराना पड़ेगा या वो लोग जान के परेशानी से अपना मताधिकार से वंचित रह जाएगी? आखिर किसकी मजबूरी के तहत ऐसा किया गया? मैं जिला अधिकारी और चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं कि इस समस्या पर गौर करें और 289 वोटरों के भावनाओं को समझते हुए अविलंब संज्ञान लें। देखिए, अभी जो नगर परिषद का गठन हुआ है ये जाले नगर परिषद का, जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं जिस गांव में, इस गांव का नाम है लतराहा, मैं यहां का वासी हूं, यहां का वोटर हूं। ये गांव अति पिछड़े जमात का और दबे कुचले लोगों का, गरीब गुरबा का गांव। यहां पे 3000 के आसपास की आबादी है इस गांव की, जो पूरा गांव है एक तरफ गांव, मतलब ये चौहद्दी में गांव है और इस गांव में कट उठ के भी कहीं नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो नया वोटर लिस्ट या नया जो संशोधन हुआ है और गठन हुआ है वार्ड का, इसमें चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 15000 पे एक वार्ड बनाया है और 1500 पे एक वार्ड बनाया है, 1200 पे उसने दूसरा वार्ड बनाया और इस गांव से के अंदर जो 289 वोटर है उनको इन लोगों ने 3 किलोमीटर दूर जाले में इसको ऐड कर दिया है, जो कि एक अलग ही गांव से बाहर हो गया वो। ठीक है, अब यहाँ पे मसला ये है कि ये तो गांव गरीब लोगों का गांव है, दबे कुचले का गांव है। अब बताइए, जो रोजी रोजगार वाले डेली कमाने खाने वाले आदमी है वो यहाँ से कैसे उठ के 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर किस हिसाब से जाएंगे अपना वोट गिराने, जबकि सहूलत है यहाँ पे कि इस गांव में दो दो बूथ है, तीन तीन बूथ है जहाँ पे लोग वोट गिरा सकते हैं और ये चौहद्दी में गाँव है। तो सरकार को चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि 1500 पे एक वार्ड जब बना है, दूसरा वार्ड भी 1500 पे बना देते, ये तो जनता को, पब्लिक को परेशान करने वाली बात है ना। अच्छा, ये जो गांव है, जबकि दूसरा वार्ड है ये 1205 पे बना है, तो यहाँ तो बनता है ना कि 300 और जोड़ करके हम 1500 बना ले। अच्छा, खास प्रश्न ये है कि जो वार्ड 21 ये बनाया गया है जी, कितने पहले पुराने जो वार्ड थे कितने वार्डों को जोड़ के? देखिए, पहले ये गांव दो पंचायत में डिवाइड था, आधा जाले दक्षिणी में था और आधा कतौर बसंत पंचायत में था। लेकिन ये जो गांव है ना, ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पूरा एक चौहद्दी गांव है। अच्छा, ठीक है, और इस गांव में जो एक नया भी वार्ड बना है, ठीक है, जो 1205 पे बना है, दूसरा वार्ड 1500 पे बना है, तो आप 300 को क्यों अलग कर दिए? अच्छा, मेरा प्रश्न ये है, मेरा सवाल ये है कि आप 300 वोट को, 289 वोट को अलग करके आप 3-4 किलोमीटर बाहर क्यों फेंक दिए? इसके लिए लिखित आवेदन कहीं दिया? ये लिखित आवेदन दिया गया है, ब्लॉक में भी दिया गया है, जिला लेवल पे भी दिया गया है और अभी हम लोग इसको चुनाव आयोग के पास भी भेजने की बात कर रहे हैं और जो शहरी विकास मंत्री हैं उनको भी हम लोग अभी इसको फैक्स करेंगे और इस बात को आगे तक लेके जाएंगे जब तक कि दरभंगा शहर लड़ाई लड़ते रहेगी। दरभंगा शहर में भी वकील साहब काफी सारे वार्डों में इस बार इसी तरह की सूचना मिली है कि वोटर लोग दूसरे दूसरे वार्ड में चले गए जी, तो ये किधर से गलती हो रहा है जो लगातार लोग? जी दिलीप जी, आपके सुनने में आया कि जो वोटर लिस्ट है उसमें कुछ परेशानी हुई है, क्या परेशानी है उसमें? जी, लतराहा 6-7-8 वार्ड है जिसमें 1548 वोटर है, इसमें से काट करके जाले बैजनाथपुर में जोड़ दिया गया, जिसमें 289 वोट को काट करके जाले बैजनाथपुर में जोड़ दिया गया है, जो कि लतराहा में 6-7-8 वार्ड है उसको 1205 जी। इसमें हमारे जनता को, हमारे वोटर को जाने में 3 किलोमीटर दूरी पड़ता है। अच्छा। जिसमें विकलांग है, महिला है, बुजुर्ग है, उसको जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
इसलिए करके जिस तरह से हम थे 22 में, पहले हमारे 22 में ही गठित कर दे वोटों को, 289 वोट को जो काटा है। ये जो वोटर हैं 6, 7, 8 के 289 वोटर, इसको किस वार्ड में शिफ्ट कर दिया है? 21 नंबर वार्ड में, मतलब इतना दूर भेज दिया है, 3 किलोमीटर, जी 3 किलोमीटर दूरी भेज दिया है 21 नंबर वार्ड। अच्छा, तो ये नया वोटर लिस्ट आ चुका है जी, तो इसको लेकर के आपने निर्वाचन आयोग या जिलाधिकारी को शिकायत की है? जी, ब्लॉक में दिए हैं, जिला में दिए हैं, डीएम के दोनों जगह पेपर संलग्न कर दिए। क्या कहा गया वहाँ? अभी तक इसका कोई न्यूज नहीं है। कब जमा किए थे? 7 तारीख को ब्लॉक में जमा किए थे, डीएम के यहाँ 13 तारीख को और 14 तारीख को जमा हुआ। आज तकरीबन इसी महीना जी, यानी अभी 4 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, तो ब्लॉक लेवल से पता चला? ब्लॉक लेवल से वीडियो बोले कि जो है सो इसका हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, ब्लॉक लेवल से वीडियो जो है सो इंक्वायरी की है। अच्छा, इसके बाद अभी तक हमको कोई मैसेज नहीं आया या जनता को कोई मैसेज नहीं आया। अपना पूरा परिचय दीजिए तो। मेरा नाम हुआ दिलीप प्रसाद, ग्राम लतराहा, पोस्ट डोगरा, जिला दरभंगा। इस बार जो नया वार्ड गठित हुआ उसमें कितने नंबर वार्ड में आपका घर पड़ा? 6 नंबर वार्ड में, अभी 22 में पड़ा जी।